हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, आई सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस वाले इफेक्ट की। यह जो इफेक्ट है इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है, अभी भी यह चल रहा है। तो किस तरह से आप इस तरह का इफेक्ट अपने मोबाइल से बना सकते हैं, ये हम आज जानेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको लाइट मोशन डाउनलोड करना होगा, तो वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आने वाले उस बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सबसे पहले अपने लाइट मोशन है ऐसे हम ओपन कर लेते हैं। तो मैंने अपना लाइट मोशन जो ओपन कर लिया, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे 960 रखना है और रेजोल्यूशन 1080 और फ्रेम रेट 30, ठीक है, इतना आपको इसमें कर लेना है। इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। तो यहाँ से आपको अपना वीडियो है वो लेना होगा जो आपने रिकॉर्ड किया, मतलब जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए वाला वीडियो ले लिया, तो मैंने ए वाला वीडियो ले लिया, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर टैप कर देंगे वीडियो पर और यहाँ पर जाएंगे मूव एंड ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस वाले आइकन पर। तो इसको यहाँ से हम जूम कर देंगे, तो मैंने जूम इसको कर दिया है अपना इतनी स्किन को, ठीक है। इसके बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, तो मैंने इतना कर लिया है। इसके बाद बैक कर देना है और फिर से इसी पर टैप करना है, इफेक्ट पर जाना है और एड इफेक्ट पर जाना है। और जैसे आप एड इफेक्ट जाओगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है टील्स, तो TILES जो टील्स होगा, ठीक है, इस पर आपको टैप कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग के बाद क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको यह जो मेरा लिखा होगा इसको आपको इनेबल कर देना है, ठीक है, टैप करोगे तो इनेबल हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको इसमें कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, फिर से टैप करना है, इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा सिंपल स्टार फील्ड। तो SIM लिखोगे तो ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको फिर से इसी पर टैप करना है और यहाँ पर आपको जो एक आइकन बना हुआ है इस पर टैप कर देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर लास्ट में जाना है, मतलब लास्ट में जहाँ तक आपको वीडियो रखना है, तो मुझे रखना है यहाँ पर 15 सेकंड का, रील के लिए 15 सेकंड ही रहता है, ठीक है। तो इतना यहाँ पर ले जाते हैं और फिर से इसी आइकन पर क्लिक कर देना है की वाले पर, ठीक है, और इसको जो होगा यहाँ पर आपको बढ़ा देना है। तो जो पोजीशन होगा इसको आपको बढ़ा देना है, तो मैं इसको जल्दी बढ़ा देता हूँ। तो इसको आपको कितना रखना है, तो इसको आपको रखना है 3000, ठीक है। तो मैं इसको आपको जल्दी कर देता हूँ, 3000 आपको रख देना है। तो अपना इसमें इतना हो चुका है, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो कोई टेंशन नहीं होगी इसमें, ठीक है, हो जाने दो। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा ए वाला, इस पर इसको आपको क्या करना है, कम कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं कम कर देता हूँ, आपको 20-21 के करीब रख लेना है, तो मैंने 21 कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर टैप कर देना तो बैक हो जाएगा और फिर से आपको एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा एक कौन सा सैचुरेशन, तो SA लिखोगे तो आ जाएगा सैचुरेशन ऊपर ही, इस पर आपको टैप कर देना है, वो स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फेसिसी पर टैप करना और सैचुरेशन में आपको इसको बढ़ा देना है। तो सैचुरेशन को बढ़ाना है आपको कितना रखना है, 50 रखना है, ठीक है। तो मैंने इसको 50 कर लिया और उसके बाद आपको जो नीचे का है उसको इतना ही रखे रहना है, इसको ज़्यादा कम नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है, इस पर टैप करोगे बैक हो जाएगा। इसके बाद फिर से एड इफेक्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्विंग, तो SWING लिखोगे तो ऊपर ही आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है और यहाँ से जो स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर इस पर आपको जाकर इस पर टैप करना है एक बार, वो जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको तो इसको आपको कम कर देना है, ठीक है। तो इसको आपको कितने रखना है, तो इसको आपको 0.40 रखना है, ठीक है। तो मैं इसको इतना कर देता हूँ, इसको 0.40, तो मैंने इतनी कर दी है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा एंगल, तो इस पर जाना और इसको आपको कम कर देना है। तो पहला जो रखना है वो रखना है -8, तो मैं इसको -8 कर देता हूँ जल्दी, ठीक है। तो मैंने इसको इतना कर दिया है -8, तो मेरा होने वाला है, तो -8 इतना हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाला जो होगा angle 2, इस पर जाना और उसको आपको प्लस में कर देना उतना जितना है आपने ऊपर किया ना। तो अपन ने ऊपर किया है -8, तो नीचे कर देंगे 8, ठीक है। मैंने प्लस तो बनाना नहीं आता लेकिन वो +8 ही होगा, तो 8 मैंने इतना कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये अपनी दोनों साइड स्विंग होगा वीडियो, इतना हो जाने के बाद, ठीक है, आपको बैक कर देना है। मैं थोड़ा वीडियो छोड़ रखा है तो मैं जूम कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, इसको दोनों गलियों से भी जूम कर सकते हैं अपन। मैंने इसको इतना कर दिया है जूम और इसके बाद आपको बैक कर देना है और आपको क्या करना है कि आपको
अपने जो मैं XML दे रहा हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और सेंड कर देना है। तो जो भी सेंड करोगे तो प्रोजेक्ट में आता है, तो प्रोजेक्ट में जाएंगे और उस XML को आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपन करना है। तो मेरा यहाँ कुछ ऐसा XML आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इस आइकन पर क्लिक कर देना और सिलेक्ट एरिया पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो वीडियो आएगा तो उसको आप डिसेबल कर देना, या नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं, 4 लेयर सेलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद इसी पर फिर से टैप कर देना और कॉपी फुल लेयर पर क्लिक कर देना, तो आपकी जी कॉपी हो जाएंगी सभी लेयर। इसके बाद बैक कर देना और यहाँ पर आना फिर से वीडियो पर, और वीडियो पर आके फिर से इसी पर टैप करना और पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपका जो वीडियो होगा उसमें ये लेयर पेस्ट हो जाएंगी और देख सकते हैं वैसा हमारा यहाँ कलर बन चुका है। इसके बाद आपको लास्ट में जाना और यहाँ तक जाना और यहाँ के बाद इस पर टैप करना और सिलेक्ट ए लेयर फिर से क्लिक कर देना और यह जो आइकन आएगा यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना, तो सभी जो लेयर होंगी भी एक साथ कट हो जाएंगी, ठीक है। तो अपना फाइनल इतना वीडियो बन चुका है। और इसके बाद यदि आप जो अपना जो है आंग लगाते हैं ब्लर, तो ब्लर आप जो है कैपकट ऐप से लगा सकते हैं, तो ब्लर के लिए ये वाला वीडियो देख लेना। और यदि आप XML डाउनलोड नहीं होता है तो उसके लिए भी ये वाला वीडियो देख लेना, तो वो आप उसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। मतलब XML डाउनलोड करने का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, वो भी वीडियो मैंने अलग से नहीं बनाया है क्योंकि वो मैटर जो है वो बदल चुका है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।